मस्ते दोस्तों मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे बटरफ्लाई लाफ्टर तो इस पोयम का नाम ही है बटरफ्लाई तो का मतलब क्या होता है बटरफ्लाई मतलब होता है तितली और लाफ्टर मतलब होता है हंसना तो चलिए हम इस पोएम को इजी से इजी लैंग्वेज में समझते हैं चलिए शुरू करते हैं इन मिडल ऑफ आर पॉरिज प्लेट्स There was a blue butterfly painted. इन द मिडल ऑफ अ पॉलिज प्लेट देखिए इसका मतलब क्या होता है जो पॉलिज प्लेट मतलब होता है एक प्लेट जो हल्का मोटा होता है और जिसमें बच्चे सुबह को ब्रेकफास्ट में अपना ओट्स को खाते हैं जैसे एग्जाम्पल में सफोला ओट्स उसको हम पॉलिज प्लेट्स बोलते हैं और उसका बीच में जो पॉलिज प्लेट्स का बीच में ठीक है जैसे आप यहाँ पे इस पेज में भी आप देख सकते हो ये पॉलिज प्लेट है और उसके बीच में ये एक ब्लू बटर और यहाँ उसके बीच में है ये एक मिडल का बात हो रहा है उसके बीच का ठीक है तो उस वो बीच में क्या है ब्लू बटरफ्लाई पेंटेड उस बीच में एक ब्लू बटरफ्लाई होता है ना वो पेंटेड था जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्लेट है इस, इसके बीच में एक ब्लू बटरफ्लाई पेंटेड है ना वही बता रहे हैं एंड ईच मॉर्निंग वी ट्राइड हु कुड रीच द बटरफ्लाई फर्स्ट तो आप समझ सकते हैं जैसे बच्चा का दिमाग कैसा होता है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे बच्चे अपने दिमाग से सोचते है तो ये बच्चे ये लोग क्या बोलते हैं कि ये लोग हर मॉर्निंग तो ब्रेकफास्ट है तो उस ब्रेकफास्ट हम सुबह को ही खाते हैं तो ये बच्चे लोग सुबह को ही खा रहे हैं तो उसी में बता रहे कि वो हमेशा जब भी वो सुबह को खाते थे वो सो वो सोचते थे वो ट्राई करते कि वो जल्दी से जल्दी खा ले और उसको जल, सबसे जल्दी यहाँ पे तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो एक दादी और तीन बच्चे हैं यहाँ पे कितने बच्चे हैं तीन बच्चे हैं तो वो सोचते कि सब सबसे जल्दी कौन उसको खा के पहले तितली को जो बटरफ्लाई उसको पहले कौन छू देगा वही होगा जीतेगा ठीक है तो उसके बाद क्या है हु को द बटरफ्लाई फर्स्ट पहले कौन मतलब पहले कौन फटाफट खा के पहले कौन बटरफ्लाई के पास पहुंच सकता है पहले कौन बटरफ्लाई को छू सकता है ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है देन द ग्रैंड मदर सेड टू ईट द दुअर बटरफ्लाई डेट मेडस लव फिर ये जो दादी है यहाँ पे इस पिक्चर में जो दादी जी है ग्रैंड मदर मतलब होता है दादी जी ठीक है जी आप इस पिक्चर में देख सकते जो दादी जी है वो अपने पोतों को पोतों मतलब अपने बच्चों को बोलती है कि ये जो पुअर बटरफ्लाई है उसको मत खाना ये दादी जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे कि उनका दिमाग कैसा होगा और उनको हंसाने के लिए ये ये बोलती है कि ड नॉट इट दुअर बटरफ्लाई और जब ये बोलती है तब ये सब बच्चे हंसने लग जाते हैं सबको यहाँ पर जो भी था सब हंसने लग जाते हैं ठीक ऑलवेज शी सेटेड दाफिंग इट सीम सच ए स्वीट लिटल जोक दादी हमेशा दादी जी हमेशा ये बोलते थे और हम हमेशा हंसना शुरू कर देते थे और ये एक छोटा स्वीट लिटल जोक बन गया था यहाँ पे स्वीट का मतलब मिठाई नहीं यहाँ पे स्वीट मतलब प्यारा है ठीक है ये हमें एक स्वीट लिटल जोक बन गया ठीक है हर हर रोज इसकी दादी ये बोलती थी और क्या उसके बाद क्या है आई वो सर्टेन ये बच्चा बोलता कि आई वो सर्टेन डेट वन फाइन मॉर्निंग द बटरफ्लाई वुड फ्लाई आउट ऑफ आर प्लेट्स ठीक है ये बच्चा सो, बोला कि बच्चा अपने मन में सोचा कि ये, ये बच्चा पूरा श्योर था कि कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि ये भाई ये जो बटरफ्लाई है वो प्लेट से बाहर निकल जाएगी बाहर निकल के जाके उड़ जाएगी ठीक है और ये ये जो एक एक ऐसा मॉर्निंग आएगा जब ये बटरफ्लाई इस प्लेट से उड़ जाएगी और उड़ के बाहर निकल जाएगी लाफिंग द टीनियर्स लाफ इन द वर्ल्ड एंड पर्च ऑन ग्रैंड मदर स्लैप जो सबसे जैसे कभी कभी आप देखते हो कोई भी छोटा सा तो एकदम हंसते ना छोटा

क्या है पहला क्या है पौरेज। तो पौरेज मतलब क्या होता है आपको पहले बताया एक ऐसा प्लेट जो हल्का मोटा हो जो मोटा हो जिसमें ओट्स, ओट्स तो थिक वुड मेड बॉइलिंग ओट्स इन मिल्क और वाटर ठीक है अब दूसरा क्या है फाइन इसका मतलब होता एक दिन एक नया दिन ठीक है तो उसका मतलब होता है वन डे इसके बाद क्या है इसके बाद है टीनियज टीनियश मतलब होता है टाइनी जैसे मैंने टीनियज या फिर टाइन दोनों का मतलब एक ही होता है सबसे छोटा इसका मतलब क्या आता है सबसे छोटा तो हमने इस पोएम का एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर दिया है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको इस पोएम से इस पूरे पोएम से आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं मैं उसे जल्द से जल्द क्लियर करने का कोशिश करूँगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें हम मिलते हैं किसी और नए मजेदार वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय ऑल